महाराष्ट्र के पुणे से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसकी कल्पना मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाएं। महाराष्ट्र की यह सच्ची कहानी 13 लोगों के दरिंदे और जानवर बनने की हकीकत को बयां करती है, जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा, कलेजा कांप जाएगा। 14 साल की लड़की का अपहरण कर उसके साथ 5 जगह लगातार 48 घंटे तक गैंगरेप किया गया। न उसे खाने को कुछ दिया गया और न ही उसे पहनने के लिए कपड़े दिए गए। लड़की जोर जोर से चीखती चिल्लाती हुई खूंखार भेड़ियों से खाना और तन ढकने के लिए कपड़े मांगती रही, लेकिन दरिंदों को ज़रा भी तरस नहीं आया। नमस्कार, मैं हूँ आस मोहम्मद। पुणे को महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। पुणे शहर गैंगरेप की दिल दहला देने वाली वारदात के बाद सुर्खियों में है। यहाँ कुछ हवस के दरिंदों ने पहले 14 साल की बच्ची का अपहरण किया और फिर उसके साथ 5 अलग अलग ठिकानों पर ले जाकर 48 घंटे तक कई बार गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। जब बच्ची की हालत बेहद ख़राब हो गई तो दरिंदों ने उसे पुणे से मुंबई भेज दिया। बच्ची यहां से अपने एक दोस्त के साथ चंडीगढ़ पहुंची। चंडीगढ़ GRP ने बच्ची को बरामद किया और पुणे पुलिस को सौंप दिया। इस मामले में पुलिस ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें बच्ची का एक दोस्त, रेलवे के 2 कर्मचारी और 11 ऑटो रिक्शा ड्राइवर शामिल हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं इस घटना की शुरुआत कहां से हुई। इस घटना की शुरुआत 31 अगस्त की रात 10:30 बजे हुई। बच्ची के माता पिता बेहद गरीब परिवार से हैं और पुणे में रहकर कई साल से एक नर्सरी में मजदूरी का काम कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इस परिवार में 14 साल की उनकी एक बेटी मौनी भी उनके साथ रहती है। मौनी उस वक्त बिना बताए घर से अपने 19 साल के एक दोस्त से मिलने के लिए निकल जाती है और वह ऑटो रिक्शा से पुणे रेलवे स्टेशन पहुंचती है। लेकिन स्टेशन पर उसका दोस्त नहीं मिलता तो काफ़ी देर तक वह खड़े रहकर उसका इंतज़ार करती है और जब उसका दोस्त स्टेशन पर उससे मिलने नहीं आता तो वह आंखों में आंसू लिए वहीं बैठ जाती है। मौनी रोने लगती है। उसे रोता हुआ देखकर एक ऑटो ड्राइवर उसके पास आता है और मौनी से कहता है कि उसका दोस्त स्टेशन के बाहर उसे बुला रहा है। मौनी पहले से ही परेशान थी और उसे लगा कि ऑटो ड्राइवर भी सच बोल रहा है, क्योंकि उसके दोस्त ने उसे स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाया, लेकिन उसके पहुंचने पर उसे उसका दोस्त वहां नहीं मिला। इसके बाद ऑटो ड्राइवर उसे स्टेशन से बाहर लेकर जाता है। इसी बीच ऑटो ड्राइवर मौनी को पीने के लिए पानी देता है। मौनी ने बताया कि पानी पीने के बाद उसे चक्कर आने लगे और वह बेहोश होकर वहीं गिर गई। अब बेहोश हुई मौनी को ऑटो ड्राइवर अपहरण कर एक सुनसान जगह पर ले जाता है और उसके साथ रेप करता है। उसके बाद उसने अपने एक दोस्त को फ़ोन कर बुलाया और मौनी को उसके हवाले कर दिया। इसके बाद लड़की को एक होटल में ले जाकर और 3 लोगों ने उसके साथ बारी बारी से रेप किया। इतना ही नहीं, हैवानियत का ये सिलसिला अगले दिन भी चला। उसी होटल के कमरे में इसके बाद 4 और लोगों ने मौनी को अपनी हवस का शिकार बनाया। वहाँ से उसे किसी अनजान कमरे में ले जाया गया और उसके साथ वहाँ भी हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गईं। वाकई में मौनी के साथ हुई इस वारदात को सुनकर दिल दहल जाता है। 12 लोगों ने 14 साल की मौनी के साथ पुणे के विश्रांतवाड़ी, विमान नगर, कोंडबा और अज्ञात कई स्थानों पर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। हैवानियत की ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इसके बाद मौनी की तबीयत बिगड़ने पर आरोपी उसे बस से मुंबई के दादर लेकर पहुंचते हैं और उसे रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर तैनात एक रेलवे कर्मी को सौंप देते हैं। आरोपी ऑटो चालक और रेलवे कर्मी के बीच क्या संबंध रहे, ये पुलिस विवेचना का विषय है। लेकिन मौनी का आरोप है कि रेल कर्मचारी ने भी उसके साथ कमरे में ले जाकर कई बार कुकृत्य और दुष्कर्म किया। उसके बाद दोस्त को वहां पर बुलाया गया और उसके हवाले कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में अब तक उसका वह फ्रेंड शामिल था जिससे मिलने के लिए वह स्टेशन पहुंची थी। यहां से उसे उसका फ्रेंड ट्रेन से मंगलवार को चंडीगढ़ लेकर पहुंचा, लेकिन मौनी की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि चंडीगढ़ GRP के कुछ जवानों को उसकी हालत को देखकर शक होने लगा और उन्होंने उसके फ्रेंड से पूछताछ शुरू कर दी, तो मामला यकीन में बदलता नज़र आया। कुछ देर पूछताछ करने के बाद दोनों को प्रोजेक्ट डायरेक्टर चाइल्डलाइन को सौंप दिया गया।
चाइल्डलाइन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर संगीता ने एक बयान में कहा कि पहले उन्हें लगा था कि लड़की घर से भाग कर आई है। जब उन्होंने मोनी के साथ काउंसलिंग की तो मामले में एक के बाद एक नया खुलासा होता गया। चाइल्डलाइन टीम ने मोनी को लेकर पुणे पुलिस से संपर्क किया और जानकारी की तो पता चला कि थाने में मोनी की गुमशुदगी दर्ज कराई गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुणे पुलिस तत्काल चंडीगढ़ पहुंचती है और वहां से हवाई मार्ग के जरिए उसे मुंबई लेकर आती है। बताने की मोनी का पुणे के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि मोनी अब खतरे से बाहर है। दोस्तों, मोनी के शारीरिक जख्म भले ही भर जाएं जो उन दरिंदों ने दिए, लेकिन उसे जो मानसिक प्रताड़ना और आघात पहुंचा वो शायद पूरी ज़िंदगी में ही कभी भर पाएं। इस घटना से बच्चे के परिवार वाले जो मजदूरी करते हैं उनकी मानसिक स्थिति पर मोनी के साथ हुई इस वारदात का इतना गहरा असर हुआ है कि वह सिर्फ इस वक्त यही कह पा रहे हैं कि हम पहले से परेशान हैं, हमसे बात ना की जाए, हमारी परेशानी को और ना बढ़ाया जाए। वहीं इस मामले की जांच करने वाली ऑफिसर DCP नम्रता पाटिल ने बताया कि घटना वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। पुलिस ने वारदात की संगीनता को गंभीरता से लेते हुए 100 से ज़्यादा CCTV कैमरों को खंगाला और पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उनसे पूछताछ की गई, उनकी निशानदेही पर और अन्य आरोपियों को पकड़ा गया है। कुल मिलाकर इस वारदात में शामिल मोनी के फ्रेंड सहित अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में मोनी का कहना है कि सबसे पहले उसके साथ ऑटो ड्राइवर ने रेप किया जो उसे अपने साथ लेकर आया था। इसके बाद उसने फ़ोन कर कुछ और लोगों को बुलाया, फिर सभी लोगों ने बारी बारी से हैवानियत की घटना को अंजाम दिया। DCP पाटिल ने बताया कि पीड़िता आरोपियों के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही और कहती रही कम से कम कपड़े और खाना तो मुझे दे दो, लेकिन आरोपियों ने ना तो 48 घंटे तक उसे खाने को कुछ दिया और ना ही उसे पहनने के लिए कपड़े दिए। बिना कपड़ों के ही उसे कमरे में बंद रखा गया। हर घंटे कमरे में एक नया शख्स आता और मोनी के साथ दुष्कर्म करता। इस बीच लड़की लगातार कपड़े और खाने की मांग करती रही, लेकिन किसी भी दरिंदे को उस पर जरा सा भी रहम नहीं आया। मोनी ने बताया कि रेप के बाद आरोपी उसे धमका भी रहे थे। उसने बताया कि रेप के दौरान उससे कहा गया कि अगर बाहर जाकर किसी को कुछ भी बताया तो उसे जान से मार डालेंगे। वहीं मोनी के पिता ने बताया कि दरिंदों की धमकी से सदमे में आई मोनी इस वक्त इतनी डरी और सहमी हुई है कि वह कोने में बैठकर सिर्फ रोती ही रहती है। मोनी बयान लेने वाले पुलिसकर्मियों से भी सही ढंग से बात नहीं कर पा रही है। वह जरासी आवाज़ से डर जाती है और अपने आसपास अगर किसी युवक और पुरुष को देख ले तो घबरा जाती है। मोनी के पिता ने यह भी बताया कि बड़े होकर मोनी अफसर बनना चाहती थी, लेकिन अब उसका यहाँ सब कुछ ख़त्म होता नज़र आ रहा है। वह हॉस्पिटल से बार बार घर जाने की बात कह रही है। बच्ची की इस हालत को देखकर उसके माता पिता का भी रो रो कर बुरा हाल है। अब वह सिर्फ अपनी मासूम बच्ची मोनी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मोनी के पिता ने साफ तौर पर कहा कि मुझे कानून पर पूरा भरोसा है और कानून आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देगा। DCP नम्रता पाटिल ने बताया कि अब तक इस मामले में कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका कहना है कि अभी कुछ और लोगों की जाँच पड़ताल की जा रही है जिनकी भूमिका मामले में संदिग्ध नज़र आ रही है। पुणे रेलवे स्टेशन के बाहर और अंदर लगे 100 से ज़्यादा CCTV कैमरों को कई घंटों तक खंगाला गया। कैमरे में लड़की की तस्वीर और ऑटो का नंबर मिला। इसके बाद आरोपी को पकड़कर उसे पूछताछ की गई। उसने गुनाह कबूल किया और अपने साथियों का पता बता दिया। इस मामले में पुलिस ने 14 आरोपियों को अदालत में पेश किया है। अदालत ने उन्हें 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। DCP पाटिल का कहना है कि हम होटल के मालिक की भूमिका की भी जांच कर रहे हैं, वह भी संदिग्धता के दायरे में है। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। नमस्कार।